एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। चिश ब्यूटी चैनल पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और झड़ झड़ कर आपकी खाली स्कैल्प नज़र आने लगी है, सिर में से सारे बाल उड़ते जा रहे हैं और आप गंजे होते जा रहे हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, नए बाल नहीं निकल रहे हैं, तो परेशान मत होइए। आपके सामने मैंने अपने हाथों से इसे रेडी किया है, चिश ब्यूटी ट्रिपल फास्ट हेयर ऑयल और चिश ब्यूटी ट्रिपल फास्ट हेयर शैम्पू, जो कि 100% प्योर है, नेचुरल है, घर का होममेड बना हुआ है। बहुत सारे हर्ब्स, जड़ी बूटी, बहुत सारे ऑयल से मिलाकर हमने इसे बनाया है, रेडी किया है। इसमें न तो कोई केमिकल है, प्रिजर्वेटिव है, 100% प्योर चीज़ आपके हाथों में आने वाली है, जो कि आज के टाइम में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप दूसरे प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करते होंगे, लेकिन वो आप सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट अपने सिर में लगा रहे हैं, जिससे आपके बाल और ज़्यादा झड़ते जा रहे हैं। तो जल्दी से ऑर्डर करें। ऑयल का प्राइस 799 है, शैम्पू का प्राइस 699 है और 80 रुपीज़ शिपिंग चार्ज रहेगा। जल्दी से ऑर्डर करें, दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप पर। ओके, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन एक ऐसा वाटर जिसे आप दो टाइप से यूज कर सकते हैं, हेयर वॉश में भी और किसी भी हेयर मास्क में आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करना है उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट देखेंगे और कैसे यूज करना है वो भी बताएंगे। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक भगोना ले लीजिए, उसमें आप एक ग्लास या दो ग्लास के करीब पानी डालेंगे। ऐड करना है कलौंजी एंड उसके बाद में एंड नेक्स्ट आप लोग इसमें ग्रीन टी भी डालेंगे। ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, बालों को इंस्टेंट हेयर फॉल को कंट्रोल करती है और आपके बालों को न्यू हेयर्स की ग्रोथ करती है। एंड इसके अलावा करी लीव्स है, ये आपके बालों को जो है ब्लैक बना के रखती है, बालों में मजबूती देती है। तो ये सब आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो आपको इन सबको डाल के 10 मिनट पानी को बॉइल करना है, जिससे इसकी सारी गुडनेस पानी के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद में आपको जो है 10 मिनट के बाद में फ्लेम को ऑफ करके और रख दें। जब ठंडा हो जाए तो इसको छान कर आप एक बॉटल में भर के इसे एज ए हेयर टोनर, इसे आप लोग एज ए हेयर वॉश के रूप में यूज कर सकते हैं। और इस पानी को आप जब हेयर डंग करते हैं तो बकेट में भी यूज कर सकते हैं पानी के साथ। ठीक है, अब थर्ड यूज इसका यही है कि अब नेक्स्ट आप जब हेयर मास्क बनाएंगे, यहाँ पर जो मैं हेयर मास्क ले रही हूँ, मैं सिर्फ मेहंदी के साथ इसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो अलग से नहीं लगाती, मैं मेहंदी के साथ बहुत ही अच्छा ऐसा वाटर रेडी करती हूँ जो कि मेरे बालों को बहुत तेजी से ग्रोथ में भी लेकर आता है, हेयर फॉल को भी रोकता है और बालों में एक अच्छा सा कलर भी देता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसी का वाटर जो है वो मैं ले रही हूँ और मेहंदी मैंने ली है। मेहंदी को इसी पानी के साथ मैंने भिगो दिया है, ओवरनाइट रख दिया रात भर और उसके बाद में छोड़ दिया। नेक्स्ट डे आप इसे मेहंदी लगा लें और 4 घंटे के लिए रख दें, 4 से 5 घंटे बालों में रहने दें, उसके बाद में हेयर वॉश कर लें। बस ये आपको इस तरह से पैक में यूज करना है। तो ये वाटर आपके 3 तरह से काम आ सकता है, तो आप लोग इसे जरूर बनाना, बालों की हर प्रॉब्लम इससे दूर होगी, हेयर फॉल और रीग्रोथ, ये दोनों पे बहुत अच्छा काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सिंपल सी छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत काम की वीडियो है, तो आप लोग इसे जरूर बनाना, स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय गाइस। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो बहुत सुपर्ब होने वाली है। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में 3 प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो कि लास्ट 1 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूं और इसके रिज़ल्ट बहुत सुपर डुपर अमेजिंग हैं। तो चलिए जल्दी से 1 बाय 1 तीनों ही प्रोडक्ट के बारे में बताती हूं। सबसे पहले तो देखिए आप, ये है ब्रांड कॉजी केयर। जी हां, कॉजी केयर के मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और अभी यहाँ पर 3 हैं। कॉजी केयर का आप देखेंगे स्किन लाइटनिंग बॉडी वॉश है, कॉजी केयर का पपैया सॉप है एंड कॉजी केयर की आप देखेंगे स्किन लाइटनिंग फेस क्रीम है। ये 3 प्रोडक्ट हैं और तीनों बहुत अच्छे हैं। जो लोग भी अपनी स्किन लाइटनिंग करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कॉजी केयर का स्किन लाइटनिंग बॉडी वॉश है एंड इसके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट, मेन जो इन्ग्रीडियंट हैं वो है अल्फ़ा कार्बुटिन, कॉजिक एसिड एंड नियासिनामाइड। ये तीनों ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो स्किन टोन को अनइवन करता है। ठीक है, अनइवन स्किन टोन है ना, उसे रिड्यूस करके स्किन को इवन करते हैं एंड इसके अलावा पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स है इसे भी रिड्यूस करते हैं, स्मूथ और रफ जो स्किन है ना, बम्पी स्किन, उसको आपकी क्लियर करते हैं। तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है और इसे जब आप यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छा है। इसका आप देखिए जो यहाँ पर मैं टेक्सचर बता रही हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंट जो टेक्सचर है और इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एकदम से इसके अंदर है ना जो है झाग वगैरह भी हो जाते हैं और स्किन बहुत अच्छे से क्लीन होती है।
तो ये शावर जेल जो हम शावर लेते हैं जब जो यूज़ करते हैं ना, वही स्किन केयर लाइटनिंग बॉडी वॉश है ये, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, तो आराम से आपका काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है। 300 ml की बॉटल रहेगी ये। ओके, तो मुझे बेहद पसंद आया, इतने टाइम से मैं यूज़ कर रही थी ना, तो काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा कॉजी केयर के पपाया सोप है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को लाइट करने के लिए। इसमें भी आपका एनरिच्ड विद पपाया एक्सट्रैक्ट कॉन्टेंट्स कॉजिक एसिड इंक्लूड है, जिससे स्किन लाइटनिंग रहती है। और इसमें आप देखेंगे टोटल 3 का कॉम्बो है ये, इसमें टोटल 3 सोप आपको मिलते हैं, है ना। तो 1 by 1 आप यूज़ करिए। इससे पहले भी मैंने यूज़ किया, ये मेरा सेकंड जो है मैंने ये पैक मंगाया है, और काफ़ी टाइम चल जाता है। पपाया एंड कॉजिक एसिड गिव्स ग्लोइंग स्किन, हेल्प्स कॉम्बैट पिंपल्स एंड बूस्ट ग्लो, एंड पपाया एक्सट्रैक्ट हेल्प्स एक्सफोलिएट डेड स्किन। ओके, एंड एनरिच्ड विद विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई मौजूद है, 225 ग्राम की है। आपको टोटल जो है 3 का कॉम्बो मिलता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ऑर्डर करिएगा। रेट भी बहुत रिजनेबल है और बहुत अच्छी है, और काफ़ी टाइम तक चल जाती है ना। इससे आप अपने पूरी बॉडी, स्किन, फेस सब कुछ वॉश कर सकते हो। ये देखो पपाया जो है सॉप, तो आपको कलर भी इसका देखिए वैसा ही लग रहा है, और खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ में है ये। तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्किन लाइटनिंग के लिए। सेकेंड प्रोडक्ट इनका ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और अच्छे से इसमें फॉर्मिंग होती है। जब आप इसे हैंड वॉश या अपनी बॉडी वॉश करेंगे ना, तो अच्छी खासी फॉर्म बन जाती है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो कोजी केयर का थर्ड जो प्रोडक्ट है वो है स्किन लाइटनिंग फेस क्रीम। ये तो देखिए गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब लड़कियां देखती ही रहती हैं कि यार ऐसी कौन सी क्रीम मिल जाए जिससे कि हमारा फेस लाइट हो जाए। तो ये सबसे अच्छी कोजी केयर की स्किन लाइटनिंग जो है फेस क्रीम है, तो आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई करिए। और साथ में स्किन लाइटनिंग के साथ साथ ये हेल्प्स करती है रिड्यूस रिंकल्स, स्कार्स, ब्लेमिशेस, है ना, हेल्प्स रिड्यूस पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड हेल्प्स एक्ने कंट्रोल, इन सब पर वर्क करती है। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसे आप लोग जो है जेंटली आपको अपने फेस के ऊपर यूज़ करना है, दिन में 2 बार आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर यूज़ से आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम लगाते हैं ना, वैसे थोड़ा सा लेना है और पूरे स्किन के ऊपर जेंटली मसाज करनी है फिंगर टिप से। ओके, इस तरह से इसको यूज़ करिएगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ओके, एंड ये जो है ये ट्रैवल फ्रेंडली है, तो आप लोग अपने बैग वगैरह में कैरी करके कहीं भी सफ़र में भी जा रहे हैं ना, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको हमेशा पास में रख सकते हो, तो कभी भी आपकी ये स्किप नहीं होगी। आप इसे डे और नाइट में 2 टाइम फेस वॉश करने के बाद में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो टोटल देखिए ये इनके 3 प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपके पास मस्ट होने ही चाहिए, है ना। तीनों प्रोडक्ट के जो मैंने डिटेल्स आपको सारी चीज़ें बताई है, तो तीनों में ही टोटली अगर हम देखें तो स्किन वाइटनिंग की जो है प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, जिससे आपकी फुल बॉडी स्किन वाइटनिंग होती है इससे। तो आप लोग तीनों ही प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो लिंक मैंने परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके लिंक पे क्लिक करिए और अपने लिए बाय कर लीजिए, ठीक है।